सुरखा पर हापुड़ से हापुड़ में बेखौफ बदमाशों के आतंक देखने को मिल रहा है, जहां दिन दहाड़े गुड़ व्यापारी से हथियारों के बल पर गोली मारकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बाइक सवार बदमाश करीब 3 लाख रुपए की नकदी लूट कर बड़े आराम से फरार हो गए। मामले की सूचना मिलने के बाद आला अधिकारी भारी पुलिस फोर्स के साथ मामले की जांच में जुट गए। वही घायल व्यापारी का इलाज नजदीकी अस्पताल में चल रहा है। दरअसल आपको बता दें कि मामला हापुड़ देहात क्षेत्र के फ्लाईओवर का है, जहां बताया जा रहा है कि गुड़ व्यापारी जब जा रहा था तभी मौके की तलाश में लगे बाइक सवार बदमाशों ने हथियारों के बल पर व्यापारी को रोक लिया और व्यापारी से रुपयों से भरा बैग लूटने लगे। वहीं जब व्यापारी ने लूट का विरोध किया तो बदमाशों ने व्यापारी को गोली मार दी। मेरा व्यापारी सुबह को मंडी जाता है तो वो जो किसानों का माल आता है उनको देने के लिए पैसे लेकर जाता है। इस पुल के ऊपर पिछले साल भी एक घटना हुई थी, पुलिस ने नहीं खोली, उसके गोली मारी हाथ में और झोला जो है छीन के ले गए। एक गुड़ व्यवसायी गोविंद कुलभूषण जी हैं, आज सुबह वो मंडी जा रहे थे तो फ्लाई ओवर के पास में दो अज्ञात मोटरसाइकिल वाले मिले हैं, उन्हें रोका है, उसके बाद उनका बैग छीनने का प्रयास किया, फिर बैग उनका छीन लिया, फिर उनको गोली मारी है जो उनके हाथ में लगी है। उनका इलाज देवनंदिनी हॉस्पिटल में चल रहा है, फिलहाल वो खतरे से बाहर हैं। घटना के खुलासे के लिए 4 टीमें गठित कर दी गई हैं और हम लोग जल्दी से घटना का खुलासा करेंगे और लूटे गए माल की बरामदगी करेंगे। क्या बताया सर, कितने रुपए की लूट बताई इन्होंने? इन्होंने बताया लगभग 3 लाख रुपए इनके बैग में थे। सर, एक साल में दूसरी घटना यहाँ फ्लाईओवर पर हुई है, क्या लगता है कि बदमाशों ने किस तरीके से टारगेट बनाया व्यापारी को? देखिए, चूँकि ये लोग व्यवसायी हैं, मंडी में आवागमन रहता है, हमारी पक्का बात में भी पिकेट थी, आगे मंडी के सामने गेट पर भी पिकेट रहती है, लगातार यहाँ पर चेकिंग कराई जा रही है, फिर भी यह घटना जो हुई है जिसमें हमारी 4 टीमें लगा दी गई हैं, इसीलिए हम लोग इसका खुलासा करेंगे और आगे के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस पुल पर CCTV कैमरे लगवाएं और कुछ पिकेट का क्या कहते हैं री एनफोर्समेंट बढ़ाएँ।